नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन एटमॉस्फेरिक एयर एट प्रेशर 1.01325 बार विच रसेस इनटू एन इवोक्यूलेटेड वाटर व्हेन वॉल इज ओपन. ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक प्रेशर है, मतलब वो एक खाली बॉटल है जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है. द 0.4 मीटर क्यूब एयर एंटर इनटू द बॉटल. कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर एंड स्केच द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस. ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है कि अंदर पूरा इवोक्यूलेटेड है, मतलब वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है. फिर बाद में मैंने ये वॉल को ओपन किया, तो वॉल को ओपन करने की वजह से एयर अंदर की ओर एंटर हुआ. ठीक है, अगर एयर अंदर की ओर एंटर हुआ तो हमारे पास P1 की वैल्यू है 1.01324 और V1 की वैल्यू 0, क्योंकि वो वैल्यू मतलब कुछ भी फिक्स नहीं था उसके अंदर. बाद में हमने V2 की वैल्यू यहाँ पे डाल के रखी है. तो अब एक्चुअल वर्क डन क्या होगा, तो एक्चुअल वर्क डन होगा डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्री एयर बाउंड्री मूवमेंट प्लस वर्क डन बाय बॉटल बाउंड्री मूवमेंट. पहले खाली में जितना मूवमेंट हुआ और फिर भरे में. तो बाद में स्टेटमेंट दिया है कि बॉटल इज रिजिड एंड बाउंड्री डज नॉट मूव. तो बॉटल जो फिक्स है और रिजिड है, मतलब कहीं वो हिल डुल नहीं सकती है, इसलिए जो वर्क डन बाय द बॉटल है वो जीरो हो गया. अब बॉटल अगर जीरो हो गया तो वर्क डन बाय द मतलब टोटल वर्क डन कितना होगा, तो पी इंटू डी वी. अब मैंने आपको पहले बताया था कि पी, अच्छा यहाँ पे ये याद रखना कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो जीरो है और इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू उसने 0.4 रखी है. तो पी की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी इंटू वी की वैल्यू रखी और दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आया -40.530 किलोजूल. अब याद रखने वाली बात, निगेटिव साइन वर्क डन तो क्या होगा, वर्क डन सिस्टम पे किया जा रहा है, ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम नहीं. तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना भी पड़ेगा कि निगेटिव साइन इंडिकेट वर्क डन ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग, ऑन सिस्टम बाय सराउंडिंग. क्लियर है? चलें इसी तरीके का दूसरा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है. मेरे ख्याल से अभी आप अपने लेवल पे खुद कर सकते हैं, तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं. चलिए इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है वर्क डन का, इसके बाद आप अपने लेवल पे खुद ही एक बार देखिए और अगर डाउट आएगा तो मुझसे पूछिएगा. क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पैडल व्हील यूज फॉर मिक्सिंग एंड स्टर्लिंग ऑफ फ्लूइड. अ स्टर्लिंग व्हील टर्न 500 आरपीएम विद अप्लाइड टॉर्क 3 न्यूटन मीटर. कैलकुलेट वर्क ट्रांसमिट टू लिक्विड थ्रू द पैडल व्हील. तो मेरे ख्याल से आपके पास एन दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला क्या बना वर्क डन का, 2 पाई एन टी बाई 60. तो आपने 2 पाई एन टी बाई 60 में वैल्यूज को पुट किया तो अल्टीमेटली आपका आंसर आया 157.0. ठीक है, इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेंड करिए, अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा. ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे. जो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो था वर्क आउटपुट से रिलेटेड, अब जो है वो हीट इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो हीट का बेसिक फंडा क्या है, हीट अगर हमें मिलेगी तो वो पॉजिटिव होगी, मतलब हीट विद इन अ सिस्टम आएगा तो पॉजिटिव रहेगा और हीट बाहर रिलीज हो रहा है तो वो निगेटिव होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, 5 kg वाटर एट 10 degree Celsius इज टू बी हीटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर हीटर एट 30 degree Celsius. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द वाटर. कितना हीट सप्लाई हो रहा है वो पता करना है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक क्वेश्चन मतलब बेसिक फॉर्मूला याद होगा, क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी. आपके पास एम की वैल्यू 5 kg है, सी पी की वैल्यू 4.18 यूनिवर्सल होती है और डेल्टा टी में फाइनल वैल्यू 830 है माइनस 10 degree Celsius. तो आपका ये फॉर्मूला निकल गया 5 × 4.18 × 30 − 10. यहाँ तक आपने कंप्लीट कर. अज्यूम द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.18 किलोजूल पर केजी कैल्विन. इफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 0.6 kilo. याद रखें ये इंटरेस्टिंग है कि अगर हमने जो पावर दिया है इलेक्ट्रिकल हीटर से वो अगर 0.6 kilowatt है, देन फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर.
तो कितना टाइम लगेगा वाटर को हीट करने के लिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि हीट गेन पर सप्लाई इन किलो जूल अपॉन पावर इन किलो जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो याद रखने वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है भाई, वॉट का मतलब क्या होता है। चलिए +2 मार्क्स है आपके पास, मुझे कोई बताएगा कि 1 वॉट इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट में चाहिए मुझे। ₹750। गलत है, मैं यूनिट पूछ रहा हूँ, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन ये है, इधर देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 वॉट इज इक्वल टू, ये जो वॉट है एक्चुअली पावर की यूनिट है, तो ये पावर की यूनिट कहाँ से डिराइव हुई। जैसे एग्जांपल, कल का हमने क्वेश्चन लिखा था 1 मेगा पास्कल, ठीक है। तो मेगा पास्कल या पास्कल यूनिट है प्रेशर की, लेकिन ये कहाँ से डेरिवेट हुआ था, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 10^6 था। 1 जूल सर, हाँ, क्या बोल रहे हो वन आप। जूल सेकंड, 1 जूल, 1 जूल भाई जूल खुद ही एक सिंगल यूनिट है एनर्जी की, तो मैं एनर्जी की यूनिट को पावर की यूनिट क्यों बोलूंगा। भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोड़ रहे हो आप, सोचो, दिमाग लगाओ, बोलो। सर 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 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, गलत केजी बात मीटर स्क्वायर सर। बाय 1 वोल्ट सेकंड क्यूब। मतलब फ्लो ऑफ करंट इन 1 एम्पियर। फ्लो ऑफ करंट इन 1 एम्पियर, मुझे तो यूनिट चाहिए जहां से वो डिराइव हुआ है। वोल्ट, VOLT, वोल्ट। ये VOLT वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, पावर की जूल यूनिट पर वॉट सेकंड है। हाँ, क्या बोल सर, रहे हो, जूल पर सेकंड, जूल वेरी पर गुड। सेकंड किसने बोला, सर। ऋतिक ऋतिक, +2 मार्क्स है तुम्हारे पास, याद रखना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट होता है, यही इक्वेशन को उसने यहाँ पे डिराइव किया है। 1 मिनट में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो उसने क्या बोला कि 6 किलोवाट है, तो किलोवाट को उसने जूल जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो देखो किलो जूल और किलो जूल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो सेकंड है ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, मतलब 480 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू हीट द सिस्टम। तो ये आपका सेकंड में आया और आपके बाद में ये मिनट में आया, तो आप खुद ही पता कर सकते हैं कि अगर आपने सबमर्सिबल रॉड एक 20 लीटर बकेट में डाला और वो 1000 किलोवाट का है, मतलब तो एक यूनिट कंज्यूम करता है, तो कितना टाइम लगेगा उसको हीट करने के, कितने मतलब तो कितने टेम्परेचर से कितने टाइम लगेगा। तो आज ये आप अपना एक्सपेरिमेंट मानिए कि आपको आपके घर पे ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 kg मेटल पीस एट टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इनटू 50 kg वाटर एट 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेरे पास क्या बोलते हैं, मास ऑफ मेटल जो है वो 10 kg है और मास ऑफ वाटर जो है वो 50 kg है, दोनों में मेरे पास m आ गया। अब इसका T1 दिया हुआ है 130 डिग्री सेल्सियस और इसका T1 दिया हुआ है 21 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू हीट फ्लो फ्रॉम मेटल पीस टू वाटर, मतलब अगर ये मेटल रॉड को मैंने पानी के अंदर गिरा दिया तो इसकी वजह से पानी का टेम्परेचर जो है वो 21 से 5 डिग्री बढ़ जाएगा। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर ऑफ रॉड कितना आया, तो 21 + 5 मतलब 26 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.186 kJ/kg। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। तो ये देखो यहाँ पे मैंने मतलब इन्होंने इक्वेशन लिख दिया है, क्या MCP ΔT इज इक्वल टू MCP ΔT। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि जब मैंने ये मेटल रॉड को पानी के अंदर डाल दिया और पानी के अंदर डालने के बाद पानी का टेम्परेचर केवल 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो मेटल रॉड का टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर
ठीक है, तो मेटल रॉड का भी फाइनल टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसका रीजन ये है कि जब भी, मतलब ये हमेशा याद रखना है कि जब दो मेटल्स अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अगर दोनों में से किसी का टेम्परेचर हाई और लो है तो ही हीट ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर 25-25 दोनों फिक्स होंगे और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जब मैंने मेटल रॉड को पानी के अंदर डाला तो उसका टेम्परेचर 26 तक ही बढ़ा, 27 नहीं गया या 28 नहीं गया। तो ये पता चल गया कि रॉड का फाइनल टेम्परेचर और वाटर का फाइनल टेम्परेचर इक्वल है। क्लियर, यही चीज यहाँ पे लिखे हो, याद रखिएगा। यहाँ पे इसने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, मास ऑफ वाटर में इन्होंने 10 kg लिखा है, एक्चुअली कैलकुलेट 50 kg से, ठीक है। तो सॉरी ये लिखा है ना, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 25 kg, एक्चुअली 50 kg। उसके बाद बाकी सब कुछ हमने रखा। यहाँ पे ये वर्ड याद रखिए, हीट लॉस बाय मेटल पीस, क्यों? क्योंकि इसने अपना हीट 130 डिग्री से 26 डिग्री पे आ गया, तो इसने अपना हीट लॉस किया, और जो वाटर है वो 21 से 26 चला गया, इसलिए उसने हीट गेन किया। तो गेन किया इसलिए प्लस और हीट लॉस किया इसलिए माइनस। तो आप दोनों को इक्वेट करोगे तो अल्टीमेटली आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल लॉस मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे किसी को कोई डाउट? चलिए अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अ 2 kg फूड पैकेट फॉल डाउन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर एट हाइट ऑफ 100 meters फ्रॉम ग्राउंड, कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ फूड पैकेट व्हेन इट फॉल टू ग्राउंड, एज्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ फूड पैकेट इज 0.4 kJ/kg एंड ऑल्सो हीट जनरेटेड व्हेन इट फॉल ऑन ग्राउंड। तो अब आप बताइए कि कितना हीट गेन करेगा। तो सिंपल से लॉजिक है, अगर मैंने एक, मतलब एक हाइट से, मान लो वो हाइट लिखा हुआ है 100 meters, तो अगर मैंने ये हाइट से किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंका, तो ऊपर से नीचे फेंकते वक्त हमेशा याद रखना, पहले ये पोटेंशियल एनर्जी में थी जो बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, तो m इंटू जी इंटू एच, एच जो है वो 100 meters है, m जो है 2 kg लिखा हुआ है और g की वैल्यू आपके पास 9.8। तो इस बेसिस पे आपका जो, इस बेसिस पे आपका आपका जो पोटेंशियल एनर्जी बना वो बना m इंटू जी इंटू एच। आप उससे कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने m इंटू जी इंटू एच से निकाल लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि कितना राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था, m इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। अब m इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे देखो, m की वैल्यू आपके पास 2 kg है, cp की वैल्यू गिवन दिया हुआ है और डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया और इक्वेट करने के बाद m इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1962, अल्टीमेटली डेल्टा टी की वैल्यू पता चल गई समथिंग 2.4525 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर राइज हो गया। क्लियर, चलिए आई थिंक ये वाला पार्ट हो गया आपका, न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म हो गया। एक और था, बस यही था एक्चुअली, एक और था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम वो बता दूंगा। अभी तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछते हैं, वो मुझसे आपके पास शायद 8 आपके पास शायद 8 मिनट का।
भाई किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है फिर, ठीक है फिर आज के लिए फिर लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल से फिर नया चैप्टर चालू होगा और आई थिंक वो फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक। तो कल जब हम मिलेंगे तो मुझे सबसे पहले आपसे आपसे फर्स्ट ब्लॉक थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू।